हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द कट ऑफ लिमिट ऑफ ह्यूमन आई इज डैश नैनोमीटर। कि हमारे जो ह्यूमन आई है उसकी कट ऑफ लिमिट कितनी है, यानी कि जो रिजोल्विंग पावर होती है हमारे ह्यूमन आई की किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की, तो उसकी कट ऑफ लिमिट कितनी है। तो ये होती है नियरली 10^-5 meter। कितने? 10^-5 meter। अब यहाँ पे पूछा किसमें गया है, नैनोमीटर के अंदर। सो नैनोमीटर में हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल 10^-5 है एंड नैनोमीटर के अंदर कितना आता है, 10^-9। इसका मतलब टोटल कितना बचे, 10^4, जो कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 10,000 और 10^4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द साइज ऑफ ई कोली बैक्टीरिया इज डैश नैनोमीटर। हमें बताना है साइज कितना है बैक्टीरिया का। यहाँ पे ई का मतलब है एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया। अब जो ये बैक्टीरिया है ये एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जहाँ पे 1 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है एंड 0.5 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। अब यहाँ पे जो हमें नियर बाय आंसर दिख रहा है दैट इज़ 2000। 2000 क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी थी, 1 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर तक। अब 2 माइक्रोमीटर को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 2000 नैनोमीटर। तो इसका मतलब सोल्यूशन कितना है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2000 नैनोमीटर। नेक्स्ट है द साइज ऑफ RBC इज मीन्स रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ होता है नॉर्मली जो कहा जाता है दैट इज़ 6000-8000 नैनोमीटर। एंड जबकि इनमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हमें चूज़ करना है इन्हीं में से तो नियर बाय जो हम मान सकते हैं दैट इज़ 5000 नैनोमीटर। ओके, सो साइज ऑफ RBC इज़ 5000 नैनोमीटर। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज़, अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर की थिकनेस कितनी होती है, जो कि हम NPN PNP ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो उनकी थिकनेस नियरली होती है हमारी 90 नैनोमीटर के आसपास, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ होता है। ये जो जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं ये थोड़ा कैलकुलेटेड पार्ट है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि जो इस चीज़ को ये सेटिस्फाई करे कि ये इतना ही क्यों होता है। अब ट्रांजिस्टर हम स्मॉल साइज़ का यूज़ करते हैं बेसिकली, तो ऑब्वियसली उसका साइज़ भी क्या होगा, थिकनेस भी क्या होगी, स्मॉल होगी, तो वो कितनी होगी, 90 नैनोमीटर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है साइज़ ऑफ अ वायरस इज़ डैश नैनोमीटर। अब वायरस के एक्चुअली बहुत सारी रेंज होती है, मतलब 20 नैनोमीटर के आसपास भी होती है, फिर 800 कुछ नैनोमीटर के आसपास भी होती है, लेकिन इन सब में से अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट कोई मैच करती है या नहीं, तो हमारी 50 नैनोमीटर एक पर्टिकुलर किसी वायरस की कैटेगरी से मैच करती है। तो इन सब में से हम चूज़ करना पड़े तो हम क्या चूज़ करेंगे, 50 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास फिर से आ जाता है बकी बॉल के बारे में। सो द डायमीटर ऑफ अ बकी बॉल इज़, हमने कल भी बात की थी कि बकी बॉल जो हमारी होती है वो कितनी होती है, 60 कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है। एंड बात करें डायमीटर की तो उसका डायमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज़ द वेथ ऑफ अ टिपिकल DNA मॉलिक्यूल इज़, हमें बतानी है कि जो हमारा DNA मॉलिक्यूल होता है उसकी वेथ कितनी होती है। अब एक्चुअली बात की जाए तो उसकी वेथ होती है 2.5 नैनोमीटर, लेकिन इनमें से कहीं पे भी 2.5 नहीं है। सो नियर बाय जो क्लोज आंसर है वो क्या है, दैट विल बी 2। सो हम क्या चूज़ करेंगे, ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 नैनोमीटर। बट एक्चुअल साइज होता है 2.5 नैनोमीटर। इन केस अगर ऑप्शन में 2.5 है तो आप 2.5 चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोन इज़ इक्वल्स टू डैश मीटर। ये कल भी मैंने बताया था कि नैनोमीटर माइक्रोमीटर, नैनो में क्या होता है, 10^-9 meter, जबकि बात करें माइक्रो के अंदर तो वो कितना होता है, 10^-6 meter। ओके, सो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 10^-6
6 मीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से अभी सिमिलरली जब इसका साइज हमने मीटर में बता दिया कितना हो गया 10^-6 मीटर, अब इसी चीज़ को नैनोमीटर में हम कैसे बता सकते हैं। आप 10^6 मीटर को 10^-9 की रेंज में अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, -6 -9 कितना डिफरेंस है, 3 का। तो इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होंगे, 1000, ओके 10^3। ओके नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ एसटीएम इज, एसटीएम की फुल फॉर्म बतानी है। तो एसटीएम बेसिकली क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोप है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सरफेसेस को बहुत स्मॉल लेवल पे देखने के लिए। तो एक्चुअली एसटीएम क्या है, इट इज़ स्कैनिंग टनिंग माइक्रोस्कोप। सो आंसर इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। अभी हमसे पूछा जाए कि ये होता क्या है बेसिकली, तो एसटीएम वर्क करता है, काफ़ी शार्प ये मेटल वायर होती है जिसका टिप बहुत शार्प होता है, और आप किसी भी सरफेस के ऊपर इसको लेके आते हो काफ़ी क्लोज। उससे क्या होता है, जिस भी सरफेस के ऊपर आपने इसको रखा होता है, अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इस माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो सरफेस को आप बहुत स्मॉल लेवल पे देख पाओगे, मतलब उसके अंदर जितने जितने छोटे माइनर पार्टिकल हैं सबको इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ईजिली देख पाओगे। ओके ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एफ स्टैंड इन AFM? अब AFM क्या है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये AFM ऑब्वियसली रेडियो वगैरह वाला AFM नहीं है। यहाँ पे AFM का मतलब है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, यानी कि जो माइक्रोस्कोप आप यूज़ करते हो एटॉमिक लेवल के लिए। सो एज़ पर डेफिनेशन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फोर्स, ठीक है, क्योंकि इसके नाम में इसका आंसर है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, तो एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक। ओके नेक्स्ट है, विच रेशियो डिसाइड द एफिशिएंसी ऑफ नैनो सब्सटेंसेस, किस रेशियो से आप एफिशिएंसी बता सकते हो नैनो सब्सटेंसेस की। अब नैनो सब्सटेंसेस के अंदर ऑब्वियसली काफ़ी स्मॉल पार्टिकल होते हैं, साइज शेप बहुत स्मॉल होता है, ये हम जानते हैं। अब इन चीज़ों का देखते हैं वेट एंड वॉल्यूम से, नहीं वेट इतना नहीं होता, पहले छोटे पार्टिकल है क्या वेट होगा उनका। सेकंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हाँ हो सकता है, क्योंकि आप छोटे पार्टिकल का सरफेस एरिया वॉल्यूम बात कर सकते हैं। बात करें वॉल्यूम एंड वेट की, नहीं वेट अगेन नॉट पॉसिबल। डी प्रेशर एंड वॉल्यूम, नो। तो इन सब में से जो रिलेवेंट आंसर है दैट इज़ बी, यानी कि आप उनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका नैनो सब्सटेंस क्या है, कितना एफिशिएंट है। ओके ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन सेज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके, किसी भी स्फेयर का, ठीक है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², वॉल्यूम 4/3πr³, ठीक है। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो में से क्या है, 4πr² है डिवाइडेड बाय 4/3πr³। अब 4π तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर से आर क्यूब गया, तो हमारे पास कितना बचा, 1/3r, ठीक है। ओके देखते हैं फिर क्या करना है इसका। तो ये जो रेशियो है विद रेडियस 1 सेंटीमीटर इज r1, एक स्फीयर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है उसका रेशियो तो कितना आ रहा है, r1, एंड दैट ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर इज r2, यानी कि दूसरा स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो उसका रेशियो कितना है, r2। तो हमें r1 = r2 बताना है। ओके तो अभी हमने चेक किया हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था, 1/3r। अब सेम सिचुएशन r1 एंड r2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें निकालना है r1 = r2। तो रेशियो निकाल लेते हैं r1/r2 का, दैट इज़ अब यहाँ पे 1 के लिए 1/r1 एंड 2 का अप्लाई करेंगे तो 3r2/1। अब 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ r2/r1। ओके कितना आ गया, r1/r2 का दैट इज़ r2/r1 दैट इज़ व्हाट, r2 कितना है, 5, r1 कितना है, 1। तो इसका मतलब
आर वन किसके इक्वल हो जाएगा, 5 आर टू के। ओके अभी नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन, द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ क्यूब विद साइड 1 यूनिट इज आर वन एंड दैट ऑफ क्यूब विद साइड 10 यूनिट्स इज आर टू, देन आर टू इज इक्वल्स टू डैश आर वन। अब ध्यान दिया जाए तो ऊपर हमसे क्या पूछा गया था, आर वन इज इक्वल्स टू आर टू, आर वन क्या था स्मॉल रेडियस थी, आर टू क्या थी बड़ी थी। अब सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है, अब क्यूब के लिए भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम रेशियो लेंगे, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वहाँ पे भी ऑब्वियसली बचने सिर्फ एक लेंथ ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर टू क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा है एंड आर वन क्या है छोटा, तो ये क्या आ जाएगा रेशियो, 1/r ही आना है, तो 1/r आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/10, 1/10 क्यों, अगर हमसे आर वन इज इक्वल्स टू आर टू पूछा होता तो कितना आ जाता है 10 ऊपर वाले की तरह, जैसे ऊपर वाले का हमारा कितना आता है 5, लेकिन यहाँ से पूछा गया आर टू इज इक्वल्स टू डैश आर वन, क्योंकि 1/r ही बचना है रेशियो में, तो वो क्या आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट इज टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो सब्सटेंसेज आर, नैनो सब्सटेंसेज की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वही सबसे मेन उनका साइज शेप सरफेस कैरेक्टरिस्टिक इनर स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट। अब उनके अकॉर्डिंग हम इन ऑप्शन में से चूज़ करें प्रेशर एंड फ्रिक्शन, नैनो पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल प्रेशर होता है तो इतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा। ओके स्टिकिंग एंड फ्रिक्शन मे बी, स्टिकिंग एंड टेम्परेचर, इतने स्मॉल पार्टिकल के ऊपर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है पर इतना ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर एंड फ्रिक्शन नो, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज स्टिकिंग एंड फ्रिक्शन। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विद द हेल्प ऑफ डैश रॉबर्ट एफ कर्ल एंड अदर्स डिस्कवर्ड फ्लोरेंस, तो जो कार्बन का हमारा एक एलोट्रोप है फ्लोरेंस जिसके अंदर हम कितने यूज़ करते हैं 60 कार्बन एटम यूज़ करते हैं, तो वो किस मेथड का यूज़ करके फाइंड आउट किया गया था, तो वो यूज़ किया गया था कंडेंसेशन टेक्निक का यूज़ करके, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ओके नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ कार्बन का है, इन सेक्टर ऑफ फ्लोरेंस ईच कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद डैश अदर कार्बन एटम्स, कल भी हमने बात की थी कि कार्बन क्या करता है, चार कार्बन एटम्स कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं, सो ऑब्वियसली एक कितने के साथ बनाएगा, तीन के साथ, तो आंसर विल बी सी दैट इज 3। ओके नेक्स्ट है हु हैड इन्वेंटेड द फेमस जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम किसको दिया गया है, ये एक्चुअली जो फ्लोरेंस हम बात करते हैं उसी की बात ये कर रहे हैं, जो कि डिस्कवर किसने किया था, बकमिंस्टर फुलर ने, और उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था, तो ये किसने डिस्कवर किया, बकमिंस्टर फुलर, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम्स इन बकी बॉल नोन टिल टुडे कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम्स, अब यहाँ पे हमसे इवन नेक्स्ट देखिए वहाँ पे स्मॉलर पूछा हुआ है, क्वेश्चन सेम है सिर्फ स्मॉलर एंड लार्जर का डिफरेंस है, तो कार्बन एटम से आप बहुत सारे एलोट्रोप बना सकते हो, अब बाकी वॉल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नोन हैं, तो लार्जेस्ट क्लस्टर जो अभी तक पॉसिबल है दैट इज 540 एटम्स, एंड अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट के बारे में कि स्मॉलेस्ट कितने से बन सकता है बाकी वॉल का स्ट्रक्चर, दैट इज ऑफ 20, आप 20 कार्बन एटम्स को कंबाइन करके भी पक्की बॉल्स को बना सकते हो। ओके द टेंसाइल स्ट्रेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ MWNT इज डैश पास्कल, MWNT का यहाँ पे क्या मतलब है, मल्टीपल वोल्ड नैनो ट्यूब्स, जिनके अंदर मल्टीपल वोल्स होती हैं वो नैनो ट्यूब्स, तो उनकी पर्टिकुलर यंग मॉड्यूलस होता है, पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है, तो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी है, दैट इज़ ऑप्शन डी 63 × 109 पास्कल। ओके सो ये हमारी स्ट्रेंथ होती है मल्टीपल वोल्ट नैनो ट्यूब्स की। ओके सो अभी हमने बात की कुछ क्वेश्चंस के बारे में नैनो के, नेक्स्ट में हम डील करेंगे फर्दर और क्वेश्चंस को, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं नैनो से रिलेटेड, जो कि मे बी क्वेश्चंस
अब की बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं, तो हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सब क्वेश्चंस को कवर करने की। सो कंटिन्यू अपडेट के लिए स्टे कनेक्टेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।